अब के टाइम में प्लेटलेट्स डाउन होना एक आम बीमारी हो गई है। हर घर में लोगों का प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है और ज़्यादातर ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण प्लेटलेट्स डाउन होते जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे उन घरेलू नुस्खों के बारे में, उन घरेलू उपायों के बारे में जो कि आपके प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से इनक्रीज़ करेगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, DRX अभिलाषा IMS PHU के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसे शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं, प्लेटलेट्स होते क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्लेटलेट्स हैं क्या। तो ये रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएँ, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स होती हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स उनको कहा जाता है, जो कि रक्त की कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये आपके बोन मैरो में यानी कि हड्डियों में जो मौजूद स्पंज जैसे टिश्यू होते हैं उनमें बनते हैं। प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाना इनका प्रमुख भूमिका मतलब होता है, या ये प्रमुख इनका काम है। मतलब जब हम कहीं पर कट जाता है हमारी बॉडी में या कहीं से मतलब कोई ब्लड निकलने लगते हैं, तो जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो ब्लड की क्लॉटिंग ये प्लेटलेट्स ही कराते हैं। अगर ये क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमें हीमोफीलिया हो सकता है, यानी जिसमें निरंतर लगातार रक्त बहता रहता है और जिससे हमारी बॉडी में रक्त की कमी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स जनरली कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होना चाहिए। अगर इतना आपके मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख तक अगर आपका प्लेटलेट्स है बॉडी में तो आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1.5 लाख से नीचे हो जाता है प्लेटलेट्स तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो कैसे हम बचा सकते हैं, तो कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहला है पपीता या पपीते की जो पत्तियाँ होती हैं, तो कैसे इनको उपयोग कर सकते हैं। पपीते को छीलकर सीधे खा सकते हैं, या तो पपीते के पत्तों को पानी में उबाल के उसको छान के उसको पी सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं इनसे आप क्या कर सकते हैं, जो प्लेटलेट्स बढ़ता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप एक बार जान जाइए, जितना तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ता है उतना ही तेज़ी से जितना तेज़ी से प्लेटलेट्स घटता है उतना ही तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ता है। और अगर प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहा है तो आप ये जो प्रक्रिया मैं बता रही हूँ इसको 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। ये कैसे करता है, पपीता क्या काम करता है, तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पपीते का जो अर्क होता है वो डेंगू में कम होने वाले जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको बढ़ाने में काम करता है। ये माना जाता है कि जो पपीते के पत्ते होते हैं उनके जो अर्क होते हैं, अर्क यानी एक्सट्रैक्ट में जो मौजूद केमिकल होते हैं जैसे अल्कोलाइड, टैनिन, एंट्राक्विनोन, कार्डोनालाइड्स, स्टेरॉइड्स, सैपोनिन, फेनोलिक्स, ये शरीर के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं पर असर डालते हैं। और इनमें से अगर हम इनको संयुक्त रूप से लिया जाए, मतलब अगर पपीता या पपीते के पत्तों का प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो जो प्लेटलेट्स की कमी होती है उनको आप बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है यूज़ कर सकते हैं, अनार। अपने दिनचर्या में आप अनार यूज़ कर सकते हैं, इसको काट के इसको दाना खा सकते हैं, इसको नाश्ते के रूप में ले लीजिए, इसको जूस निकाल सकते हैं और अगर आपने अनार का जूस को निकाला है तो आप उसको आधे घंटे के अंदर पी लें। ऐसा नहीं कि आप उसको स्टोर करके रख दिए बाद में पी लें या एक घंटे बाद पी लें तो वो नुकसान करता है। तो आप इसको अपने दिनचर्या में शामिल करके अपने प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो अनार होता है वो एक जगह प्लेटलेट्स को एकत्रित होने से रोकता है। इसकी मदद से आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। और जब एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो उनका जो काउंट होता है यानी प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कम होने लगती है और वहाँ पर जगह जगह पर खून के थक्के जमने लगती है, क्लॉटिंग होने लगती है। तो जब हम अनार खाते हैं तो अनार क्या करता है, हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है, जिसके कारण ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में कारगर होता है। तीसरा हम बताएंगे हरी पत्तेदार सब्जियाँ। मौसम के अकॉर्डिंग हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियाँ अगर आप खाते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यही जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं इनको आप बहुत तरीके से इनका सेवन कर सकते हैं, इनको पका के खा सकते हैं। कुछ ऐसी भी सब्जियाँ होती हैं जिनका आप सैलड बना के खा सकते हैं, कुछ का आप जूस बना के खा सकते हैं पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दिनचर्या में अगर हरी पत्तेदार सब्जियां का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है अपने प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं।
बिकॉज़ ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें फोलेट होता है, और जब फोलेट की कमी होती है तभी जो है प्लेटलेट्स कम होता है। तो आप पत्तेदार सब्जियां खा के अपनी बॉडी में फोलेट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंवला। आंवला बहुत अच्छा स्रोत है प्लेटलेट्स बढ़ाने का, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं कच्चा। दूसरा, आप इसका रस निकाल के पी सकते हैं, इसको शहद में मिला के पी सकते हैं, आंवला या अचार या जैम के रूप में खा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने बॉडी में आंवला का भी सेवन कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में आंवला जा रहा है तो इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जिसके कारण आपके बॉडी में ये जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो आंवला बढ़ा सकता है। लेकिन आंवला खाते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी आंवला प्लेटलेट्स घटा भी सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही आंवला का इस्तेमाल करिएगा। दूसरा है चुकंदर और गाजर। चुकंदर और गाजर जो होते हैं, आप ये बहुत अच्छे स्रोत हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने का। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, फेनोलिक होते हैं, तो ये जो होते हैं ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, खून को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए चुकंदर और गाजर भी खा के हम अपने शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताज़ा दूध। ताज़ा दूध जो होता है, दूध सबको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, हर घर में मिल सकता है। तो अगर आप अपने दिनचर्या में एक से दो बार जो है ताज़ा दूध का सेवन करते हैं, या तो फिर ताज़ा दूध की खीर बना लीजिए, मिठाई बना लीजिए, इन सब का सेवन करने से भी आप अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फोलेट होते हैं दूध, कैल्शियम होते हैं, विटामिन डी होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किशमिश। किशमिश को आप रात भर भिगो दीजिए और सुबह पानी से निकाल कर निचोड़कर इसको आप खा लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी में खून बढ़ाने के लिए, और जब बॉडी में खून बढ़ेगा तो प्लेटलेट की भी संख्या अपने आप बढ़ेगी। तो किशमिश भी बहुत अच्छा स्रोत है, अगर आप अपने दिनचर्या में नहीं शामिल किए हैं तो इसे शामिल करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल जो होता है, वैसे तो नारियल पानी भी प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और नारियल पानी के साथ अगर आप जो अपने खाने को बना रहे हैं अगर वो नारियल के तेल में बनाएं, तो उससे क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाता है। तो आप इसको आसानी से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, खाने के रूप में नारियल खा भी सकते हैं, और नारियल का पानी भी पी सकते हैं, और नारियल का तेल में अगर आप खाना बनाएं तो ये बहुत सारे पोषक तत्वों से मतलब समृद्ध होता है, इसलिए ये सबसे अच्छा तेल कहा गया है अगर आपको प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रसल स्प्राउट से। ब्रसल स्प्राउट्स जो होते हैं, इनको आप अच्छे मसाले डाल के खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं, और बहुत सारी सब्जियों के साथ मिला करके भी खा सकते हैं। एक्चुअली में जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें विटामिन, खनिज, फाइबर, ये सब भरपूर मात्रा में होता है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्त और हड्डियाँ को स्वस्थ रखने की क्षमता होती है, साथ ही विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए और फोलेट जैसे सभी पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट, जी हाँ, कद्दू। कद्दू बहुत अच्छा स्रोत है प्लेटलेट्स बढ़ाने का, तो आप इसको सब्जी के रूप में आसानी से कद्दू उबाल कर आप कद्दू का सूप आदि भी बना के इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसके साथ ही साथ फोलेट एसिड होता है जो कि हमारी फोलेट होता है जो कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो आप कद्दू का भी सेवन कर सकते हैं आराम से, और ये आसानी से अवेलेबल भी होता है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और अगर आपको इन सारे चीज़ों का यूज़ करने के बाद अगर आपको आराम मिलता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।